नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह, डिफेंस स्टडी जोन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आरबीआई के बारे में। जी हाँ, आरबीआई का नाम आपने सुना ही होगा या फिर कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। बिल्कुल, तो आज हम इस वीडियो में आरबीआई से जुड़े हुए जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसके मुख्यालय, गवर्नर, प्रथम गवर्नर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में से स्किप ना करें। दोस्तों, हमारा एक ही मोटो है जिसके लिए हम कार्य करते हैं, अब की बार आखिरी बार, तो आप भी इसे अपना मोटो बनाए और अभी हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं कि आप वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें और अंत में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो हमें किस ऑर्गेनाइजेशन पर बनाना चाहिए। दोस्तों, साथ ही वीडियो को अपने व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई के परिचय की। तो आरबीआई का पूरा नाम होता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों। यह भारत के सभी बैंकों का, छोटे बड़े सभी बैंकों का संचालन करता है। जी हाँ, आरबीआई भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। आरबीआई रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित भी करता है। नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट है दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल सन 1935 को, आज से 85 वर्ष पहले आरबीआई की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। अब आरबीआई जिस मुद्रा को मैनेज करता है उस मुद्रा का नाम है भारतीय रुपया। दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट और जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस टॉपिक से लगभग ऑर्गेनाइजेशन के हमारे इस प्रोग्राम से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी डिफेंस परीक्षाओं में। तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों किसके तहत हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत की गई थी। दोस्तों, इसके साथ ही भारत के जाने माने अर्थशास्त्री बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के निर्देशों पर तथा सिद्धांतों पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। दोस्तों, चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आरबीआई के गवर्नर्स की अगर हम बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर, उनका नाम है शक्तिकांत दास। इन्होंने अपना पद ग्रहण 4 सितंबर 2016 को किया था। ये भारत के 25वें गवर्नर हैं, सॉरी आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। दोस्तों, अब हम बात करें प्रथम गवर्नर की, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ, जो 1935 में बने थे। इससे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं 1984 से 1987 के बीच। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट। इससे पहले आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वर्दी के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अभी जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और साथ ही और भी पीडीएफ फाइल मिलती रहेंगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही वर्दी के फेसबुक पेज को तथा डिफेंस स्टडी जोन के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट। बाबा साहेब की वकालत के कारण ही सन 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फिनांस द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को एक कानून का रूप दिया गया। जब इंग्लैंड से भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडिया की कमेटी बैठती है तो उन्होंने इसको एक कानून का रूप दिया बाबा साहेब के कारण। दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है, प्रारंभ में आरबीआई का कार्यालय कोलकाता में था जिसे सन 1937 में मुंबई महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया गया। यह पहले एक निजी बैंक था। जी हाँ, आरबीआई पहले एक निजी एक प्राइवेट बैंक था जिसका बाद में 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण करके एक सरकारी बैंक का दर्जा दिया गया। चलिए जानते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट। आरबीआई संपूर्ण भारत में आरबीआई के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जी हाँ, संपूर्ण भारत में आरबीआई के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। मुद्रा परिचालन एवं काले धन की दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने
31 मार्च 2014 से सन 2005 तक जारी किए गए सभी नोटों को वापस लेने का निर्णय किया था। या इससे पहले हमें कहना चाहूँ कि आरबीआई ने नोटबंदी की थी दोस्तों। तो ये था हमारे आरबीआई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए आगे से आगे वीडियो लेकर आते रहेंगे। कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो में हमें क्या सुधार करना चाहिए, आपको नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन पर हमें वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक और किसी वीडियो में अच्छे से नॉलेज के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। विक्रम सिंह लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।